सद्गुरु कबीर ने बीजक में एक पद कहा है, राम नाम भज चेत देख मन माही हो, लक्ष करोड़ जोड़ धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो, दादा बाबा और परपाजा जिनके जहाँ भुई भाड़े हो, आंधर भये यहो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा, अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे ज्यो बादर की छाही हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। सद्गुरु कबीर के समय में उत्तरी भारत में राम नाम जप का प्रचलन खूब हो गया था। सद्गुरु कबीर का संपर्क वैष्णव संतों से काफी निकटता का रहा है। साखी ग्रंथ में एक साखी है जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा संगी दुई जना, एक वैष्णव एक राम। यहां वैष्णव का अर्थ केवल विष्णु का पुजारी नहीं है, किंतु है संत साधक। लेकिन वैष्णवों से उनका संपर्क काफी रहा है और उत्तरी भारत में वैष्णव राम की पूजा उस समय कर रहे थे, राम नाम जप रहे थे और उसका प्रभाव सद्गुरु कबीर पर भी पड़ा है और उन्होंने बहुतायत रूप से अपनी वाणियों में राम शब्द का प्रयोग किया है। पूरी कबीर वाणी का अध्ययन किया जाए तो कोई एक नाम सबसे ज्यादा बार प्रयोग हुआ है तो वह राम नाम है, राम शब्द है। खंडन में भी साहब ने प्रयोग किया है और मंडन में भी प्रयोग किया है। कोई कितना महान से महान संत साधक विचारक क्यों ना हो, अपने समाज से सर्वथा अप्रभावित और अछूता वह रह नहीं सकता है। कबीर साहब के जमाने में राम नाम जब खूब चल रहा था, राम की पूजा खूब चल रही थी, बहुत दिन नहीं हुआ था। कबीर साहब जिस समय हुए हैं उस समय ज्यादा से ज्यादा 500 साल पहले, 500-600 साल कह सकते हो आप, राम नाम का भजन, राम नाम का जप और राम की पूजा भारत में प्रारंभ हुई हुआ था। राम नाम का जप और राम की पूजा बहुत प्राचीन नहीं है, आज से 1100-1200 साल पहले ही
भारत में कहीं राम की पूजा नहीं होती थी, कहीं राम की मूर्ति ही नहीं थी, राम का मंदिर ही नहीं था। कृष्ण की पूजा होती थी, कृष्ण के मंदिर थे, विष्णु के मंदिर थे, शिव के मंदिर थे, लेकिन राम के मंदिर नहीं थे, राम की पूजा कहीं होती नहीं थी। लगभग आज से 11-1200 साल पहले राम की मूर्ति बनाना, राम के मंदिर बनाना, राम नाम का जप होना और राम की पूजा होना ये शुरू हुआ है। अब खूब चल रहा था तो कबीर साहब ने भी शब्द को लिया, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में लिया। यदि राम हमसे अलग है तो साहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इसको नहीं माना है, और राम हमारा अपना आपा है, घट भीतर बैठा हुआ है, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया है, उसको अपना विधिवाक्य माना है। यहां वे सहज ढंग से कहते हैं कि राम नाम भज, राम नाम भज, तो केवल राम नाम का रटना नहीं है। समान लोगों के लिए कह दिया जाता भाई राम का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो कहने वाले का भाव किसी नाम को दोहराना नहीं है, जपना नहीं, मतलब है कुछ धार्मिक क्रियाकलाप करना, कहीं किसी सात्विक भावना में मन को जोड़ना। साहब किसी नाम के जप करने मात्र से मुक्ति या दुख निवृत्ति नहीं मानते, बल्कि इसका तो वे खुलकर खंडन करते हैं कि पंडित बाद बदे से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। यदि राम राम कहने मात्र से लोगों को मुक्ति मिल जाए तो शकर शकर कहने से मुख मीठा होना चाहिए, पानी पानी कहने से किसी की प्यास बुझ जाना चाहिए, और आग आग कहने से पैर गर्म होना चाहिए, भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जाना चाहिए। यदि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, भोजन भोजन कहने से भूख दूर नहीं होती, आग कहने से पैर गर्म नहीं होते, गर्मी नहीं लगती, तो केवल राम राम कहने से किसी का दुख दूर होने वाला नहीं, किसी को मुक्ति गति मिलने वाली है नहीं, उससे मन में एक सात्विक भावना आती है। मन कुछ समय के लिए एकाग्र होता है, जिस नाम के प्रति जिस आदमी की भावना है, निष्ठा है, श्रद्धा है, उस नाम का जप करने से उसको प्रसन्नता होती है, संस्कार उसके अच्छे बनते हैं, और मन दुनियादारी प्रपंच से हटकर एकाग्र हो जाता है। अच्छा ही है, प्रपंच की बात कहने का अपेक्षा प्रपंच की बातों की याद करते रहने की अपेक्षा किसी नाम का जप करते रहना, संस्कार तो खराब नहीं होगा, मन भटकेगा नहीं, विकारी नहीं बनेगा, संस्कार अच्छे बनेंगे, सात्विकता आएगी, प्रसन्नता आएगी, मन एकाग्र होगा, फिर धीरे से आदमी और आगे बढ़ सकता है धार्मिक आध्यात्मिक दिशा में। लेकिन केवल हम नाम जप लें कुछ नहीं होगा, हम लोग ये कहें मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, तो क्या इतने जपने मात्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा? कई जपने मात्र से, दोहराने मात्र से हमें आत्मानुभव हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा?
अहंकार हो जाएगा कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें आत्मा का बोध हो गया है, हमने अपने आत्मा को जान लिया है। ये काम नहीं होगा, काम इसे बनेगा नहीं। प्रयोग करना होगा, वैसे वैसे रहनी बनानी होगी। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, क्योंकि उनके जमाने में ब्रह्म की बड़ी चर्चा थी, उन्होंने स्वयं ब्रह्मवाद प्रबलता से स्वीकारा है और ये सिद्ध किया अपने अपने वाणियों में। सिद्ध होता है या नहीं होता बात अलग है, लेकिन उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पूरी दुनिया में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, एक ब्रह्म, एक में द्वितीयो नास्ति। लेकिन उनके जमाने में उन्होंने देखा होगा कि लोग ब्रह्म ब्रह्म खूब चिल्ला रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म खूब रट रहे हैं, उस भाव में जी नहीं रहे हैं। तब उन्होंने कहा, न गच्छति बिना पाणम व्याधि औषध शब्दतः, बिना अपोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। जैसे दवा का नाम रटने मात्र से रोग दूर नहीं होता, रोग दूर करने के लिए दवा खाना होगा, सेवन करना होगा परहेज पूर्वक, पथ्य पूर्वक, तब रोग दूर होगा। अब कोई दवा ना खाए, परहेज ना करे, पथ्य का पालन ना करे, केवल दवा का नाम रटता जाए, तो रोग दूर होने की अपेक्षा और बढ़ जाएगा। स्वामी जी कहते ठीक ऐसे ही, बिना अप्रोक्षानुभवम, आत्मा का स्वयं का अप्रोक्ष अनुभव हुए बिना ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते, ब्रह्म ब्रह्म रटने मात्र से किसी को मोक्ष नहीं मिलने वाला है। कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, अप्रोक्ष अनुभव करना है तो जो कुछ पर है, जिसकी याद से, जिसके प्रयोग से, जिसके संसर्ग से हमारा मन चंचल होता है, बहिर्मुख होता है, भटकता है, विकारी बनता है, उन सब का त्याग और फिर मन की अंतर्मुक्ता, जीवन की रहनी निर्मल पवित्र। जैसे जीव का स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, निर्मल निर्विकार है, ऐसे ही हमें अपनी रहनी भी निर्मल निर्विकार बनाना होगा। रहनी का ठिकाना नहीं, आचरण का, चरित्र का, कर्म का ठिकाना नहीं, मन एकदम मलिन गंदा बना हुआ है और रटे जा रहे हैं हम कि हम मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनाशी हूँ, नरक में डुबा देगा ये रटना, कोई काम नहीं आएगा। महत्वपूर्ण है मन वाणी कर्मों की निर्मलता पवित्रता, इसके बिना कोई ज्ञान काम नहीं आने वाला है। यहां सद्गुरु कबीर कहते हैं, राम नाम भज, राम नाम भज,
चेत देख मन माही। राम नाम का भजन करो। राम नाम भजन करने का अर्थ उनका है तथ्य पर चिंतन करना, राम राम दोहराना नहीं। भजन का अर्थ है स्मरण, चिंतन। बहुत सारे अर्थ हैं भजन के। और साहब कहते हैं चेत देख मन माही। तुम मन में चेत करके देखो, सावधान हो करके देखो, चिंतन करो कि सत्य तथ्य क्या है। जिस राम का नाम ले रहे हो, जिस राम का नाम जप रहे हो, वो राम क्या है? तुमसे अलग है यदि मुलाकात होगी नहीं, मुलाकात हो भी गई तो वियोग हो जाएगा। और तुमसे अलग है नहीं, हमसे अलग है नहीं, तो पाने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं, पुकारने की आवश्यकता नहीं। चात्रिक कहां पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। चातक पक्षी को संबोधित करते हैं साहब, ऐ चातक स्वाति नक्षत्र के पाने के लिए क्या पुकार रहा है, तो क्या रट लगा रहा है, पी कहा पी कहा। सोजल जगत रहा भरपूरी, जिस पानी को पीने से तृप्ति मिलेगी, उस संसार में तो पूरा भरा हुआ है सर्वत्र। चातक तो पक्षी होते है, क्या कहा जाएगा, वो क्या समझेगा। जो लोग रटे जा रहे हैं, हे भगवान हमें दर्शन दो, हे भगवान हमें दर्शन दो, उनके लिए साहब कहते हैं जिस भगवान को पुकार रहे हो, जिस आत्मा खोज रहे हो, वो तो संसार में पड़ता है, दिखाई पड़ता है, चलते फिरते मनुष्य के रूप में तुम्हारा अस्तित्व ही है। हम सावधान होकर देखते नीचे, मन में विचार नहीं की, चिंतन नहीं करते सत्य तथ्य क्या है। राम अपना आपा है तो उसमें मन लगता क्यों नहीं है। राम नित्य प्राप्त है, अपना स्वरूप है, हम स्वयं राम हैं, तो मन उसमें टिकता क्यों नहीं है, क्यों भाग जाता है बार बार। इसलिए कि मन में दुनिया का मुंह लगा हुआ है, मन दुनिया के मुंह में डूबा हुआ। और जिनके मन मोह में मन डूबा हुआ है, वो एक हमारा नहीं है और स्थिर रहने वाला नहीं है। जो कुछ हमें मिलता है, हम मान लेते हैं ये सब मेरे हैं और सब समय मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे। जो भी दुनिया में आया, सबको ये भ्रम रहा, जो मुझे मिले हैं सब सदैव मेरे साथ ऐसे बने रहे। लेकिन किसके साथ बना रहा और किसके साथ गया, साहब कहते हैं दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भये हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े। तुम कह रहे हो कि मकान मेरा है, खेत मेरा है, धन मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है। तुमसे पहले तुम्हारे पिता कहते थे ये सब मेरे हैं, और उसके पहले तुम्हारे दादा कहते थे, उसके पहले पहले तुम्हारे परदादा कहते थे, कुछ दिन पचास तुम्हारा बेटा कहेगा, फिर उसके बाद 50 साल बाद 100 साल बाद तुम्हारा पोता कहेगा, किसका है वो? दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूए भाड़े हो, तुम्हारे दादा बाबा परपाजा कहते थे ये जमीन हमारी, भूमि हमारी, मकान हमारा, ये हमारा, वो हमारा, उनका था तो वे लेकर के गए क्यों नहीं। आंधर भैया हुए कुटी तिनका है सब छाड़े हो। सदगुरु कहते हैं तुम अंधे हो गए हो, बाहर से भी अंधे हो गए हो, और हृदय के विवेक विचार के नेत्र भी तुम्हारे फूट गए हैं। उनका था तो वो क्यों छोड़ दिए, लेकर के गए क्यों नहीं।
बीच में मिल गए हैं और बीच में ही छूट जाएंगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ चला जाना है यहां से, लेकिन बीच में जब मिलता है इतना अहंकार हो जाता है उनका और इतनी अहंता ममता हो जाती है उसके लिए फिर आदमी कितना कितना अनर्थ करता है। पकड़ता गया, पकड़ने की आदत बन जाती है तो जो आया मुट्ठी में पकड़ना शुरू कर दिया, अब छोड़ने का नाम नहीं, लेकिन अंत में छूटेगा ही छूटेगा। साथ रहते रहते लोभ और मोह छोड़ दो तो अंतिम में कोई दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं, रोना नहीं पड़ेगा। और लोभ मोह नहीं छोड़े तो रो रो करके छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेगा तो है ही, बड़े बड़े आए कि कहा क्या गया, लब्ध्वा पिशा बहुन लभानि सुखम भुक्त्वा चिरान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्यां मुचितो यथा। लब्ध्वा पिशा बहुन लभानि, बड़े बड़े लोग आए, बहुत लाभ कमाया, खूब बटोरा। सुखम भुक्त्वा चिरान्यपि, चीरकाल तक, लंबे समय तक दुनिया के भोगों को भोगने को उन्हें आशा लगी रही और दुनिया के भोगों को भोगने में लगे रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ, रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, खाली हाथ नंगे बदन, दुनिया से उसी प्रकार चले गए जैसे किसी मुसाफिर राहगीर का सब कुछ चोरों ने लूट लिया और लूट करके खदेड़ दिया, रोते बिलपते हो रहा मुसाफिर जा रहा है, बस ऐसे ही सब रोते कलपते दुनिया से गए। सावधान हो जाते, सेवा करते, प्रयोग करते, लोग मोह छोड़ करके काम करते तो रोना नहीं पड़ता। ये समझ ले, जो कुछ आप बटोर रहे हैं, हम बटोर रहे हैं, वो केवल रोने के लिए बटोर रहे हैं, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा तब बहुत क्लेश होगा। पहले छोड़ दो, मतलब मोह त्याग दो, लोभ त्याग दो, रोना नहीं पड़ेगा, फिर हंसते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन पकड़ने की आदत, इसमें जिसकी आदत हो जाए पकड़ने की, दुख पर दुख भोगेगा लेकिन खर्च करना, प्रयोग करना, सेवा में लगाना, अपने लिए, अपने शरीर के लिए लगाना बड़ा कठिन होता है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, सबकी दशा यही होती है। साहब कहते हैं तुम्हारे दादा बाबा पर पाजा अपना अपना कहते थे लेकिन लेकर के नहीं गए। तुम अपना कह रहे हो, स्वयं सोचो कि तुम लेकर के क्या जाओगे, कौन लेकर के गए। इस बात पर चिंतन करना ही राम का भजन करना है। तथ्य पर चिंतन, अंत में कौन साथ देगा, कौन किसका है, जितना चिंतन करेंगे वास्तविकता का बोध उतना होता जाएगा, वही राम भजन है। थोड़ा सा सोचें
किसी बात पर हम चिंतन करें, न लोभ होगा न मोह होगा। गुरुदेव जी ने लिखा है, प्रवचन में कहा है, कल्याण का मार्ग एक रास्ते पर चलना है, दुख निवृत्ति का काम करना है, बंधन निवृत्ति का काम करना है, तो तीन साधन लेकर चलना होगा, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान। चाहे कल्याण का मार्ग हो, चाहे किसी क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टरी हो, वकालत हो, इंजीनियरिंग हो, या अन्य और कोई विषय हो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान तीनों की महती आवश्यकता है। डॉक्टरी में निष्णात होना चाहते हैं तो डॉक्टरी क्षेत्र की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। वकालत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ला की जो किताबें हैं उन्हें खूब जमकर पढ़ना होगा। साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो सदग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। बिना स्वाध्याय के किसी विषय का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान वृद्धि के लिए स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है ग्रंथों का अध्ययन, मनन। जो जितना करेगा उतना उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है हमारे गुरुदेव जी, कुल 5-6 महीना स्कूल गए, और जो 5-6 महीना स्कूल गया हो कितना पढ़ा होगा, लेकिन स्वाध्याय के बल पर कितना उनका ज्ञान विस्तृत रहा है इनमें बैठे अधिकतम लोगों को पता है। तो स्वाध्याय चाहिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर चिंतन, पढ़ तो लिए, जो पढ़े उस पर चिंतन नहीं करते पर और मनन नहीं करते हैं तो स्थायी ज्ञान नहीं रहेगा, बात दिमाग में जल्दी बैठेगी नहीं, और उसके सांगो पांग जो बातें हैं वो समझ में नहीं आएगी। चिंतन, और चिंतन गहरा में उतरते जाएंगे तो बारीक से बारीक तथ्य पता चलता जाएगा। और यदि राग छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, मोह छोड़ना है, तब चिंतन के और राग अधिकतम। जिनके लिए लोभ मन में लोभ है या मोह है उसको छोड़े, उसको छोड़ना है, सोचे थे और चिंतन करें तो क्या होगा। गुरुदेव जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे, मान लो आपका प्यारा पुत्र है, अत्यंत प्यारा, अत्यंत मोह उसके लिए है, 2-4 घंटा ना देखो तो मन व्याकुल हो जाए ऐसा मोह, लेकिन जरा चिंतन तो करो, गहराई से उस पर विचार तो करो। शुरू करो चिंतन का, तो प्यारा पुत्र है, अपना जन्माया हुआ बेटा है, लेकिन थोड़ा और चिंतन करो तब एक लड़का है, एक बच्चा, जैसे अन्य बच्चे हैं वैसे आपका भी बेटा है, और चिंतन के थोड़ा करो तब हाड़ मांस का ढांचा है, हड्डी का ढांचा, मांस भरा है, चाम लपेटा है, मल मूत्र शरीर में भरे हैं, उसका पिटारा है, मिट्टी पानी आग हवा जड़ तत्वों का पुतला है। थोड़ा और विचार करो तब
मिट्टी का एक ढेला है, थोड़ा और विचार करो तब परमाणुओं का समूह है। शुरुआत में लगता था हमारा प्यारा बेटा, चिंतन की गहराई में उतरते जाओ उतरते जाओ तब क्या होगा, अंत में क्या हाथ लगेगा, परमाणुओं का समूह। अब परमाणु पकड़ने में नहीं आ सकता, चाहे बेटा का शरीर हो, चाहे गुरु का शरीर हो, चाहे हमारा खुद का शरीर हो, सबका शरीर अंत में परमाणुओं की ढेर है दस। और परमाणु हम उसे कभी देख ही नहीं सकते। इस बात पर चिंतन करें तो किसी के लिए मोह होगा, जितना सोचते जाएं सोचते जाएंगे उतना मोह टूटता जाएगा। ऐसे अब अन्य बातों पर सोच लें, तो चिंतन की आवश्यकता है। अब फिर ध्यान, चिंतन का प्रयोग करना है, ध्यान में की गहराई उतरना होगा, मन को अंतर्मुख बनाना होगा, ये राम का भजन करना है। राम राम रटना राम का भजन नहीं है। उतिले साहब कहते हैं चेत देख मन माही, मन में चेत करके देखो, सावधान होकर देखो कि तुम्हारा क्या है और तुम्हारा क्या नहीं है। जो कुछ छूटने वाला है वो हमारा नहीं है, और शरीर से लेकर संसार तक सब कुछ छूटने वाला है, नहीं छूटने वाला है हमारा अपना आपा अस्तित्व, अपने आप को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अपने आप को छोड़ने की बात ही असंभव है, तो जो कभी नहीं छूट सकता वो हमारा, और उसके लिए मोह है, उसके लिए कोई मोह नहीं है। बिनसने और बिगड़ने वाली, बनने और मिटने वाली चीजों के लिए मोह होता है, उसी के लिए लोभ होता है, और वही हमारी पीड़ा का, रोने का, दुख का, बंधन का कारण बनता है। साहब कहते हैं चेत देख मन माही, मन में चेत करके देखो क्या तुम्हारा है और कौन कौन तुम्हारा है, तुम किसके हो। सारा संबंध क्षणिक संबंध है, अभी आंख बंद हो जाएगी सब खत्म, फिर सदाकाल के लिए उससे हमारी कोई मुलाकात होने वाली नहीं है। इस बात का चिंतन करना, इस बात को मन में बसा कर रखना, इस भाव में जीना, यही राम का भजन करना है। स्थिर रहने वाला कुछ नहीं है। साहब कहते हैं इस संसार असार को धंधा, अंतकाल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे, जो बादर की छाही। सारा धंधा असार का धंधा, असार सार रहित, क्योंकि अंत में कुछ रहने वाला है नहीं। जिन्हें हम स्थिर मानते हैं, साहब कहते हैं बादल की छाया के समान है। बादल की छाया कभी स्थिर रहेगी? कोई गर्मी से उत्तप्त मनुष्य हो, पीड़ित परेशान हो, गर्मी से राहत पाने के लिए कोई छाया ढूंढ रहा हो, इतने में आकाश में बादल का एक टुकड़ा आ गया, थोड़े समय के लिए सूर्य को ढक लिया, छाया हो गया, आदमी सब तब बहुत राहत हुई, अब इसमें मुझे थोड़ी देर घंटा भर इसमें आराम करूंगा, लेकिन एक मिनट में कहां से कहां चला गया बादल, छाया भी उड़ गई, सब कुछ ऐसे ही क्षण मात्र में लगता है कि लंबे समय के लिए, लेकिन है क्षण मात्र।
गुरुदेव जी उदाहरण ये भी दिया करते थे, खुदा ने हजरत मोहम्मद मूसा से कहा कि ऐ मूसा जाओ जन्नत में 10,000 साल तक रह करके आओ। खुदा की बात मानकर हजरत मूसा जन्नत में गए, 10,000 साल तक वहां निवास किए, फिर वहां से खुदा के पास आए। खुदा ने पूछा 10,000 साल तक तुम जन्नत में रहे, तुम्हें कैसे लगा? मूसा ने कहा हुजूर ऐसा लगा कोई एक बड़ा मकान हो, एक दरवाजे से घुसा और दूसरे दरवाजे से निकल कर बाहर आ गया, बस ऐसे लगा। कोई मकान हो दरवाजे तो हो आगे और पीछे, आगे दरवाजे से घुसो पीछे से निकल जाओ, कितना समय लगेगा? 10,000 साल का समय भी मूसा को ऐसे ही लगा। अभी तो लग रहा है बहुत समय बाकी, बहुत समय बाकी है, मौत का समय जब आएगा अब लगेगा बस 2-4-10 सेकंड में सांस निकल जाएगा, तब लगेगा पता चले अरे जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यदि अभी हमारे पास मौत आ जाए और कहे चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हम कहेंगे इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया समय, अभी तो मुझे बहुत काम बाकी है, करना ये करना वो करना वो करना बहुत बाकी है। मौत मान ले कहे ठीक है तुम्हारा काम बाकी है, तो बताओ तुम्हें और कितना समय मैं दे दूं? हम कहें 50 साल और दे दो। मौत ने 50 साल का समय हमें दे दिया, 50 साल बाद आएगी ना तो फिक्र, अरे अभी ये कैसे आ गए, अभी तो तुम गई हो, 2-4 दिन तो हुआ है। 50 साल समय भी वैसे ही लगेगा। अब 50 साल नहीं 500 साल 5,000 साल जिएंगे ना तो भी कहेंगे अरे अभी क्या होंगे, अभी तो ये काम करना बाकी है। कभी लगेगा आपको कि मैंने पूरा कर लिया? दुनिया का काम सदैव अधूरा का अधूरा है और रहेगा। जब तक जीवन है तब तक जो सेवा कर सकते हो करते रहो, लेकिन हम पूरा कर देंगे नहीं होने वाला है। बाहर पूर्णता कहीं है ही नहीं, पूर्णता तो भीतर है। आत्मसाधना का काम पूरा हो सकता है, कहीं लोभ नहीं कहीं मोह नहीं कहीं आसक्ति नहीं मन में, निष्काम है मन, अंतर्मुख है, पूर्ण संतुष्ट है, बस काम पूरा है। पूर्णता अध्यात्म में है, संसार में पूर्णता नहीं है। तो जो कुछ मिला है, साहब कहते हैं इस संसार असार को धंधा, सारा संसार असार का धंधा है, अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। छोटे बच्चे धूल में खेलते हैं, अब तो धूल में खेलना बंद, अब बच्चों धूल में खेलने नहीं दिया जाता, मिट्टी पानी धूल देखने नहीं जाता। अब तो पैदा होने पहले इतने इतना व्यवस्था कर देते हैं कि धूल में अपने पैर रखने की नौबतें नहीं आती है। लेकिन देहातों में अभी है कहेंगे छोटे छोटे बच्चे, खासकर गरीबों के बच्चे धूल में खेलते हैं, धूल के मकान बनाते हैं, किसी के मकान एक तल्ले, किसी दो तल्ले, किसी 55 तल्ले का मकान बनता है, और अंत में क्या होता है? बस जब तक खेले तब तक खेले, और अंत में वही बच्चे जब मकान बना रहे थे धूल का मकान मिट्टी का मकान, कोई थोड़ा सा अंगुली से छू दे तो झगड़ पड़ते थे, मार पड़े तो हमारे मकान को तोड़ क्यों दिया, हमारे मकान बिगाड़ क्यों दिया।
लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, एक घंटा जब जाते हैं तब अपने पैर से खुद बिखर करके चले जाते, फिर रोते नहीं है, चिंता नहीं करते। ऐसे ही है, सब कुछ को छोड़कर जाना होगा यहाँ, लेकिन बिगाड़ कर चले जाओ। मतलब ये नहीं कि जो मकान बना है तो वो तोड़ दो, मन से बिगाड़ दो। बिगाड़ने का मतलब है मोह छोड़ना, लोभ छोड़ना, और यही सुख से जीने का रास्ता है। ये सभी कहो, हमारे तो बहुत रिश्ते नाते हैं, हमारे बहुत सगे संबंधी हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, हमारे तो बहुत रक्षा करने वाले हैं, उनका अहंकार करो। तो साहब कहते हैं, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। ये नाता गोता कुल कुटुंब, इनकी क्या विशेषता, कौन किसका साथ देता है, कोई किसी का साथ दिया। साथ केवल व्यवहार के लिए है। जीते जी एक एक घर में रहते हुए, एक कमरा में रहते हुए, भीतर सबके सुख दुख अलग अलग होते हैं। बाहर घर की जो परिस्थिति है, बाहर का वातावरण है, घर में जो चीजें हैं, वो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन सबका सुख दुख अलग अलग। एक ही मकान है, पिता की मानसिक स्थिति अलग, पुत्र की अलग, पत्नी के मानसिक स्थिति, पत्नी के मन का दुख अलग, मन का सुख अलग, पति के मन का दुख सुख अलग। बाहर तो है साथ में, लेकिन भीतर सब अलग अलग है। किसका क्या अहंकार, मौत से कौन बचाएगा, न माँ बचाएगी, न पिता बचाएगा, न पत्नी बचाएगी, न पति बचाएगा, न बेटा बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता मौत से। कौन साथी होगा उस दिन, उस दिन साथी होगा धर्म, हमारी साधना की कमाई, संस्कार। उस दिन अंतिम साथी होगा हम स्वयं। इसलिए कहीं भी अपने मन को आसक्ति की लाता लगा करके जोड़े ना। क्योंकि सब छूटने वाला है, छूटने वाला है तो करना क्या है, छोड़ना है साथ में तो छोड़ना तो करना क्या है। जब छोड़ना ही है तो अच्छा सा अच्छा काम करके छोड़ो, और अच्छा सा अच्छा व्यवहार प्रेम करके छोड़ो, लड़ करके मत छोड़ो, विवाद करके मत छोड़ो, आलस्य करके, प्रमाद करके मत छोड़ो, क्योंकि संस्कार खराब हो जाएगा, पश्चाताप बना रहेगा, बदनामी होगी। इसलिए जब छोड़ना तो पक्का है, इसमें तो दो राय है ही नहीं, लेकिन छोड़ने के पहले जो करना है अच्छा से अच्छा करो, डूब करके करो, पूरी तन्मयता के साथ करो, एकदम मन लगा करके, तल्लीन होकर के करो। और जो साथी संगी हैं उनके साथ सुंदर से सुंदर व्यवहार करो, पूरा प्रेम का, सेवा का व्यवहार, अपने से उसमें कोई कमी ना रखो, संस्कार अच्छा रहेगा और मन में पश्चाताप नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। लड़ करके छोड़ोगे, झगड़ करके छोड़ोगे, मुंह बना करके छोड़ोगे तो क्लेश होगा, पश्चाताप होगा, दुख होगा। संस्कार तो बिगड़ अभी बिगड़ा है, आगे भी बिगड़ेगा। राम भजन का अर्थ यह है, यही है कि जो काम करना समर्पित भावना से करना, अच्छा से अच्छा करना, और लोगों से अच्छा से अच्छा व्यवहार करना। कहें कबीर, एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। साहब कहते हैं
एक राम का भजन किए बिना तुम्हारी सारी चतुराई मिट्टी में मिल जाएगी। सेवा प्रेम का व्यवहार, मोह का त्याग, मन के अंदर मुक्ता निष्कामता और आत्मचिंतन, यही राम का भजन करना है। इसके बिना सारी चतुराई मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ काम आने वाला है नहीं। सदगुरु कभी हमारी आंखें खोलने का काम करते हैं, जगाने जगाते हैं। हम ना जागे तो हमारा अपना दुर्भाग्य है, सारा सब कुछ क्षणभंगुर। लेकिन क्षणभंगुर को जानने वाला क्षणभंगुर नहीं है, वो शाश्वत है। उसका चिंतन, उसका स्मरण, और जैसे शुद्ध बुद्ध है वैसे शुद्ध बुद्ध की रहनी बनाना, यही राम भजन है। इसी से कल्याण होगा।